इस वीडियो में हम लोग कोरिया जल संधि के बारे में जानेंगे। यह जल संधि पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है तथा जापान को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। आइए हम लोग इसे एक मानचित्र पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पूर्वी चीन सागर है और यहाँ पर जापान सागर है। ये दोनों सागर एक सक्रिय जलमार्ग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इस सक्रिय जलमार्ग को ही कोरिया जल संधि कहते हैं। यहाँ पर दक्षिण कोरिया है और यहाँ पर जापान है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि कोरिया जल संधि पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है तथा जापान को दक्षिण कोरिया से अलग करती है।